हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त शीतल वर्मा, करियर काउंसलर एंड काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आऊं जो इन्फॉर्मेटिव तो हों, साथ ही साथ आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत हेल्पफुल हों। आज हम बात करेंगे कि क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं इतने कॉमन होते जा रहे हैं, चाहे मेल है या फीमेल है, क्यों इतनी जल्दी एक दूसरे की तरफ लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्यों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ चले जाते हैं, क्या कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ जाने का, और क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं ये रिश्ते जो हैं ये रिपते भी हैं, चलते भी हैं या फिर जल्दी ही टूट जाते हैं, और इन रिश्तों की डिसएडवांटेजेस या कॉन्सिक्वेंसेज क्या रहते हैं। अब अगर आपके माइंड में भी ये सारे प्रश्न चल रहे हैं और आप इनके उत्तर जानना चाहते हैं तो अंत तक मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहें, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनों के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होने के बहुत सारे कारण हैं। उसका एक कारण ये भी है कि जिन शादियों में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी शादी में मान लीजिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जहां आपस में पति पत्नी के बीच में अक्सर लड़ाई झगड़े हैं या फिर गाली गलौच होती है, या हस्बैंड जो है वो शराबी है या ड्रग्स लेता है और मारपीट करता है, डेली का उसका ये काम है, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करता, केयर नहीं करता, ऐसे रिश्तों में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होने के चांसेस रहते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान अपने शादी से परेशान हो जाता है, उसको वो चीज़ें नहीं मिलती अपनी शादी से, तो वो कुछ एक चीज़ें बाहर ढूंढने लगता है, वो रिस्पेक्ट या वैल्यू बाहर ढूंढने लगता है, और ऐसे में कोई इंसान मिलता है तो उसकी तरफ वो आसानी से अट्रैक्ट हो जाता है। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का एक बड़ा कारण ये भी रहता है कि जिन शादियों में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आपस में अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है, वहाँ भी लोग जो हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। जो दूसरा बड़ा कारण है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होने का, वो है क्रेविंग फॉर मोर। जिन शादियों में लोग जो हैं अपनी शादी में वो फ़न वो एन्जॉयमेंट उनको नहीं मिल पाता है, या वो बोर हो जाते हैं, उनको लगता है अब हमारी शादी में फ़न या एन्जॉयमेंट नहीं रहा है, या फिर उनकी जो सेक्सुअल नीड्स हैं वो उस रिश्ते से उतनी सेटिस्फाई नहीं हो पाती हैं, और सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए या फ़न और एन्जॉयमेंट के लिए वो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में चले जाते हैं, दूसरे किसी और पर्सन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो एक कारण ये भी रहता है क्रेविंग फॉर मोर, और चाहिए उनको, और ज़्यादा फ़न चाहिए, और ज़्यादा एन्जॉयमेंट, और ज़्यादा फिज़िकल नीड्स जो हैं वो उनको अपनी सेटिस्फाई करनी होती हैं। अगर हम तीसरी बात करें कि जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये एक कारण रहता है बोरियत का। लोगों को लगता है कि हमारी 10 सालों की शादी हो गई है, 12 या 15 या 20 सालों की शादी में अब बोरियत आ गई है, अब कोई नयापन नहीं है, कोई चेंज नहीं है, इस वजह से भी लोग जो हैं तो बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। या फिर अकेलापन एक बहुत बड़ी वजह रहता है। मान लीजिए लोग जो हैं अपनी जॉब के लिए, करियर के लिए अपने पार्टनर से दूर किसी शहर में रह रहे हैं, अलग रह रहे हैं, वहाँ पर उनको लगता है कि मैं अकेला हूँ तो कोई मेरी बात सुन ले, समझ ले, इसके लिए वो किसी से जो हैं वो दोस्ती करते हैं या किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और धीरे धीरे कब उनका ये अट्रैक्शन या इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में बदल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता। तो एक ये भी कारण रहता है अकेलापन, या फिर अपने रिश्ते से बोर होके किसी दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना। अगर हम चौथे बड़े कारण की बात करें जिसकी वजह से लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो है रिवेंज की भावना से। मान लीजिए कोई पार्टनर जो है अपने दूसरे पार्टनर को चीट करता है, उसका किसी और के साथ संबंध है, और उसके पार्टनर को ये बात पता चल जाती है, तो रिवेंज लेने की भावना से भी जो है दूसरा पार्टनर जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फिर इन्वॉल्व हो जाता है, किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। सो एक ये भी कारण रहता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाने का। इसके अलावा भी देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की तरफ लोग इसलिए भी आज आसानी से अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि अगर दोनों ही मैरिड हैं तो कोई लायबिलिटी नहीं होती, आराम से वो एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग रहती है कि ठीक है हम इतना समय इकट्ठे रहेंगे, अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, और उनको कोई भी एक दूसरे की इस तरह से कोई सोशल या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं रहती हैं, कोई जिम्मेवारियाँ नहीं रहती हैं, उस वजह से भी वो आसानी से दूसरे व्यक्ति की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब बात यह आती है कि क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो हैं वो काफ़ी लंबे तक चलते हैं, क्या ये रिश्ते काफ़ी लंबे चलते हैं, काफ़ी सालों तक चलते हैं, या कुछ सालों के बाद ही टूट जाते हैं, ये जानना बहुत ज़रूरी है।
देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में जिन रिश्तों की बुनियाद जो है नीम जो है वो फन या एन्जॉयमेंट के लिए बनाई जाती है, सिर्फ फन या एन्जॉयमेंट तक या फिर अपनी बोरियत को दूर करने के लिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए, तो वो रिश्ते ज़्यादा लंबे नहीं चलते, वो 1-1.5 साल तक ही चलते हैं, उसके बाद वो रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि वहाँ फिर बोरियत आने लगती है, वो एन्जॉयमेंट उस रिश्ते में नहीं रहता, वो नयापन में ही रहता, इसलिए वो रिश्ता उतना ही चलता है। लेकिन कुछ एक रिश्ते जो हैं वो थोड़े लंबे चलते हैं, कुछ एक लोग जो हैं जब बच्चे छोटे होते हैं तब तक वो रिश्ता निभाते रहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में इन्वॉल्व रहते हैं, अपने दूसरे पार्टनर के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनको लगता है कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनको ये बात पता ना चल जाए तो उनके ऊपर असर पड़ेगा, या फिर उनकी पढ़ाई की, एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अब उनके ऊपर आ गई हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या है कि लोग फिर एक दूसरे से आराम से अलग होकर अपनी अपनी मैरिड लाइफ में वापस चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही केसेस में ऐसा भी देखा गया है जो रिश्ते पूरे लाइफ लॉन्ग निभ जाते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जहां लोग पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ भी निकाल लेते हैं। ये रिश्ते ऐसे होते हैं जहां इंसान का दूसरे इंसान के साथ इमोशनल कनेक्शन होता है, जब वो इमोशनली एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, इमोशनल डिपेंडेंसी होती है, तो ऐसे रिश्तों में लोग जो है वो लंबा वक्त एक दूसरे के साथ निकाल देते हैं। अब देखिए ये तो डिपेंड करता है कि रिश्ता किस हिसाब से किसने बनाया है, अगर वो रिश्ता सिर्फ फन या फिर एन्जॉयमेंट के लिए, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन के लिए दूसरे इंसान के साथ बनाया गया है तो वो उतना ही लंबा चलेगा, या फिर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है कि ठीक है इतने टाइम तक हम साथ रहेंगे, फिर जब बच्चे बड़े हो जाएंगे या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हमारी बढ़ जाएंगी तो अलग हो जाएंगे तो उतना टाइम तक चलेगा, लेकिन जहाँ इमोशनल डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है वहाँ लोग एक दूसरे के बगैर रह ही नहीं सकते, सो वो रिश्ते और ज़्यादा लंबे चलते हैं। तो इस तरह से जो है ये रिश्ते जो हैं अपना वक्त निकालते हैं। क्या डिसएडवांटेजेस रहती हैं, ये क्या कॉन्सिक्वेंसेज रहते हैं, इसके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस रहती हैं। देखिए जब कोई व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है और उसके पार्टनर को पता चलता है और फिर भी उसका पार्टनर साथ रह रहा है या नहीं भी पता चलता, तो व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक स्टेज पर रियलाइज़ हो ही जाता है कि मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं गलत हूँ, तो उसके अंदर गिल्ट फीलिंग आती है और गिल्ट फीलिंग की वजह से स्ट्रेस आता है, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी बीमारियाँ जो हैं वो भी जन्म ले लेती हैं। ये मेरे अपने खुद के मैंने क्लाइंट के केसेस में देखा है, 2-3 केसेस ऐसे आए जहाँ लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स थे और उनको बहुत ज़्यादा गिल्ट फीलिंग अब हो रही थी क्योंकि उनको अब रियलाइज़ होने लगा था कि हमने गलत करा है, हमारी वाइफ इतनी अच्छी है, मेरी पत्नी इतनी अच्छी है, इतनी मेरी सारी चीज़ों का ध्यान रखती है, इतनी मेरी केयर करती है, रिस्पेक्ट करती है, लेकिन मैं उसके साथ क्या कर रहा हूँ। इस वजह से उनके अंदर गिल्ट फीलिंग आ रही थी और इस वजह से कहीं ना कहीं डिप्रेशन के सिम्टम्स जो हैं वो उनके अंदर आ रहे थे। इसलिए मैंने तो अपने केसेस से भी यही देखा है कि जहाँ लोग इस तरह से चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बाद में फिर उनको जब रियलाइज़ होता है तो गिल्ट फीलिंग उनके अंदर आ जाती है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में देखा गया है कि बच्चों के ऊपर बहुत गलत असर पड़ता है, जब बच्चों को इस बात का पता चलता है कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, कोई भी चाहे फादर हो सकता है या मदर हो सकती है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व है, तो उनको बहुत बुरा लगता है, उनके जो साइकोलॉजिकल वेलबींग है उस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, अब वो उतनी रिस्पेक्ट या प्यार अपने पेरेंट्स से नहीं कर पाएंगे जितनी वो पहले करते थे। इसके अलावा बहुत सारे जो हैं वो डिज़ीज़ का भी चांसेस, डिज़ीज़ के चांसेस रहते हैं, STD या फिर HIV पॉजिटिव होने के भी चांसेस रहते हैं जब मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे बैड कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इसके अलावा मान लीजिए कि अगर किसी का अफेयर है तो वो बहुत सारे परेशानियों से भी मे भी जूझ रहा होगा क्योंकि घर की प्रॉब्लम्स तो साथ ही साथ हैं, दूसरे इंसान की प्रॉब्लम्स भी उसके साथ होती हैं, तो उसका जो ध्यान है वो अपने वर्क प्लेस पे भी नहीं होगा, अगर वो प्रोफेशनल है तो वहाँ भी अच्छी तरह से वो अपने ड्यूटीज़ को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके मन में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा कुछ चला रहता है। तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बहुत सारे डिसएडवांटेजेस रहते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं जो कि सही नहीं होते। इसके अलावा सबसे बड़ा जो कॉन्सिक्वेंसेस या डिसएडवांटेजेस है वो ये है, जब उसके पार्टनर को पता चलता है कि वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इन्वॉल्व है तो शादियां टूट जाती हैं, डाइवोर्स या फिर सेपरेशन तक की नौबत आ जाती है। सो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के जो डिसएडवांटेजेस हैं वो बहुत सारे हैं, मैंने इस वीडियो में आपको जो बताए हैं चीज़ें। इसके अलावा भी देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के ऊपर मेरे बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो राइट हैं या रॉन्ग हैं
या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स कितनी तरह के होते हैं, किस तरह के होते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने इसके ऊपर बनाए हुए हैं, इस टॉपिक के ऊपर मेरे बने हुए हैं। आप उनको ज़रूर सुने, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। क्योंकि कभी कभी देखिए अवेयरनेस जो है वो राइट नॉलेज जो है वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है, हमारे लाइफ में एक अच्छी लाइफ और अवेयरनेस के साथ ज़िंदगी जीने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो उन वीडियोस को भी आप ज़रूर सुने, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर भेजें। और नेक्स्ट वीडियो में भी आप मेरे साथ बने रहें। आपके इस प्यार और सहयोग के लिए थैंक यू।